नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी यहां पे हम बताना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन सत्र 2023-24 के अंतर्गत CLC पाँचवें चरण की जो काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया है वो यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। तो जो भी छात्र अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं या किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और साथ में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो है अंतिम अवसर है। CLC पाँचवें राउंड का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाला है। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें CLC फोर्थ राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी हो चुका है और जिन भी आवेदकों का नाम यहाँ पे आ चुका है वो अपना जल्द से जल्दी एडमिशन फीस पे करके एडमिशन ले सकते हैं। जिनका नाम नहीं आया है वो यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और जिन छात्रों ने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाई थी, एडमिशन नहीं मिला था, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो समस्त गवर्नमेंट महाविद्यालयों के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो यहाँ पे चल रही है और इसका जो अंतिम चरण है वो यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी पंचम CLC चरण यानी पाँचवें राउंड की जो यहाँ पे CLC चल रहा है इसकी जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है 12/8/2023 से स्टार्ट होगी। 12/8/2023 से 16/8/2023 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 13/8 से 17/8/2023 तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होगा। तो ग्रेजुएशन के लिए आप 19/8/2023 तक और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 21/8/2023 तक आप दे जो है देख पाएंगे। इसके साथ इसका जो मेरिट लिस्ट है वो भी किस डेट में जारी होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 22/8/2023 में जारी होगा और 26/8/2023 तक आप शुल्क भुगतान कर एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन में 23/8/2023 तक अपना जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा तो 27/8/2023 तक आप शुल्क भुगतान कर एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है जानकारी बता दें जो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आप जानना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि जिन भी छात्रों ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, यानी पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, तो वो यहाँ पे अपना नवीन चॉइस फिलिंग करेंगे। जब चॉइस फिलिंग करेंगे तभी आपको यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। और जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी ओपन करी जाएगी। ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों प्रकार के जो छात्र हैं वो यहाँ पे अपना आवेदन और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप जो है डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो जमा होने लगे हैं और यहाँ पे जो इसकी जानकारी है आपको कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। और भी इसके अलावा कोई जानकारी आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। कॉलेज एडमिशन से संबंधित ये अंतिम चरण है। इसके बाद अगर रिक्त सीटें बची तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, अन्यथा यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री वाले छात्र हैं वो भी इसमें प्रवेश ले पाएंगे। तो समस्त छात्र जल्दी जल्दी अपना ऑनलाइन आवेदन करें, एडमिशन लें और अपने सत्र को आगे बढ़ाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।